नमस्कार, मेरा नाम है मोनित चौहान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे महासिंह जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जोहर पुरस्कार का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया, तो काफी दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसके बारे में भी बता देता हूँ। इसका भी मेरी सूची तो जारी कर दिया गया है, तो मैं आप लोग के सामने मैं शेयर करूंगा वो सूची को, और उसका मैं सूची फॉर्मेट बता दूंगा, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो ज्यादा जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा का परीक्षा परिणाम के बारे में बताऊंगा। इसको भी काफी दिनों से रिजल्ट घोषित किया जा चुका है, तो आप लोग के सामने मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसका मैं परीक्षा परिणाम का कुछ फॉर्मेट दिखा देता हूँ कैसा रहता है। तो यह रहा आपका परीक्षा परिणाम का, ये रिजल्ट की सूची है। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कक्षा छठवीं में विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु चयन परीक्षा की मेरिट सूची, तो ये मेरिट सूची जारी कर दिया गया है, मतलब ये फाइनल सूची है। सरल क्रमांक यहाँ पर दिया रहता है, सरल क्रमांक जो आपके जो सूची होता है मेन वाला वहां से उठाया रहता है। क्रमांक तो इसी सूची का क्रमांक रहता है। रोल नंबर जो शुरू में आपका रोल नंबर मिला है उसका रोल नंबर दिया रहता है। छात्र छात्रा का नाम, यहाँ बच्चे का नाम रहेगा। पिता का नाम, यहाँ बच्चे के पालक का नाम रहेगा। संबंधित जिला, जिस जिले में निवास करते उस जिले का नाम रहेगा। वैसे हम ज्यादातर महासमुंद रहेगा, चूंकि ये महासमुंद जिला की तरफ से जारी किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बालक और कन्या का यहाँ पर मेंशन किया गया है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं यहाँ पर, और सभी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है, क्योंकि ये जो लोकल स्तर का जो परीक्षा हो रहा है वहाँ पर कम से कम छत्तीसगढ़ का मूल निवासी माना जाएगा। जाति वर्ग जो स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास, बच्चे की जाति वो वर्ग उसमें बताया गया है। वर्ग कक्षा चौथी में प्राप्तांक ग्रेड, यहाँ पर ग्रेड बताया गया, लेकिन ज्यादातर जनरल प्रमोशन किया है कोविड के चलते। कक्षा पांचवी में अध्ययन संस्था का नाम, यहाँ पर संस्था का नाम मतलब स्कूल का नाम रहेगा जो अभी वर्तमान में पढ़ रहे होंगे कक्षा पांचवी। पालक की सहमति, छात्र के पिता से सहमति ली गई हो तो सहमति टिप अंकित करें, मतलब जब मेरी लिस्ट सूची जारी होता है उसकी सहमति भी लिया जाता है, जो कि अलग अलग हॉस्टल में भेजा जाना है, ठीक है। पालक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय, इस आय प्रमाण पत्र से जो उसका आय बनता है उसके पिता का वहाँ पर आय यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। उसके बाद छात्र कक्षा पांचवी की परीक्षा ग्रामीण नगर पंचायत जनपद पंचायत क्षेत्र की शाला से उत्तीर्ण किया है, संबंध स्पष्ट टिप्पणी ये सब दिया यहाँ पर दिया रहता है, कौन सा क्षेत्र में आता है, ग्राम पंचायत में आता है कि नगर पंचायत में आता है। चयन परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक या प्रतिशत को अलग अलग लिखे, मतलब पूर्णांक ये 100 नंबर का पेपर हुआ था और प्राप्तांक भी सेम है। छात्र का संपर्क नंबर मोबाइल नंबर अवश्य अंकित करें, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया, तो इस तरह से रिजल्ट का फॉर्मेट आता है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्कर्ष परीक्षा कक्षा छठवीं सेटों का परीक्षा परिणाम आप लोग तो देख लिए होंगे और अपने बच्चे का रिजल्ट तो जान गए होंगे। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दें, और इस तरह का मैं नए नए चैनल के अपडेट आते रहूंगा। जाने का जरूरत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।